सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है और उसी के बेस पर मैं आपके लिए चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ, उससे पहले कुछ बातें बता दूँ आपको जो आप सैम्पल पेपर में से दिखा देता हूँ। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसकी मार्किंग स्कीम भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पेपर का पैटर्न चेंज किया गया है, लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चंस उसमें एमसीक्यू भी थे, बट आप इस साल का पेपर देखोगे तो इसमें एक भी एमसीक्यू नज़र नहीं आ रहा आपको मैथ्स के पेपर में। पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। 80 नंबर के पेपर में किस तरीके से पेपर होगा तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज देखेंगे। पार्ट ए में तीन सेक्शन होंगे, पार्ट ए में भी तीन सेक्शन होंगे। सबसे पहले क्या होगा, 16 मार्क्स के दो ही सेक्शन होंगे, इट कंसिस्ट थ्री सेक्शन लिखा हुआ, बट यहाँ पे सेक्शन कितने हैं, दो सेक्शन से। पहले सेक्शन में एक एक मार्क्स के 16 क्वेश्चन होंगे, क्लियर है, एक एक मार्क्स के एक एक नंबर वाले 16 क्वेश्चन होंगे, और पांच क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस भी होगी, मतलब दोनों में से कोई एक करो इस तरीके से। उसके बाद इसी में सेक्शन टू की बात करें तो चार क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के। अभी केस स्टडी आपको नया एक टॉपिक लग रहा है, क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चार क्वेश्चन केस स्टडी के होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये चार क्वेश्चन जो होंगे केस स्टडी के, और सभी में पाँच पार्ट्स होंगे। ओके, पाँच पार्ट्स होंगे हर क्वेश्चन में, और पाँच में से आपको कोई चार करने होंगे, यानी कि पहला शुरू में एक एक मार्क्स के 16 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ भी आपको चार क्वेश्चनों में चार चार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 16 मार्क्स का ये भी, यानी पार्ट ए जो होगा आपका 32 मार्क्स का होगा 32 नंबर का, क्लियर है। केस स्टडी के बारे में आगे मैं बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक पार्ट बी, ये क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो 2 मार्क्स के होंगे। 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप, जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, और 34 से 36 तक ये होंगे 5-5 मार्क्स के, क्लियर है। इंटरनल चॉइस की बात करें तो लिखा हुआ इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी दो दो मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे पास, 6 क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क्स वाले, उसमें दो क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 7 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें से भी दो क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस होगी, और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। ये पेपर का पैटर्न है जो आप देख सकते हो, ये सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में बता दिया है किस तरीके का पेपर आएगा। ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करें, केस स्टडी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, पहले डायग्राम्स बता रखा होगा, डायग्राम्स में फ्रंट साइड बैक साइड या फ्रंट जो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, बैक व्यू है, वो सारी चीज़ें बता रखी होंगी, और उसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगा दिया इन्होंने, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे एमसीक्यू है, यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस भी गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ओके, और ये काफ़ी आसान चैप्टर है, कौन से चैप्टर से दिए हैं इन्होंने वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सेकेंड क्वेश्चन जो होगा केस स्टडी का, तो अब जरा सोच समझ कर ध्यान से तैयारी करें कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, उस पैटर्न को बिल्कुल माइंड में रखें, और उसके बाद ही तैयारी करें, क्योंकि मार्केट में जो पहले सैम्पल पेपर इशू हो चुके हैं उन सैम्पल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, ना के बराबर हैं, तो ऐसे लोगों से बचें जो फालतू के एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर ऐसे पेपर्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके, पेपर का पैटर्न देखें, उसके बाद ही तैयारी करें। बाकी इस चैनल पर आपको सारी वीडियोज मिलते रहेंगे, और चैनल पर बहुत सारी 10th क्लास की वीडियोज हैं, 10th 11th 12th 9th की वीडियोज भी हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वीडियो है, खास बात मैथ्स को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कैसे करें उन सब की वीडियोज भी हैं। तो ये पेपर का पैटर्न है, बाकी इसको आप डाउनलोड करके आराम से देखना। मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज कि जब इस सैम्पल पेपर को देखा गया तो इसमें ऑब्जर्व किया मैंने कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी बातें। तो जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, यानी कि एक्सपेक्टेड इस पर थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है एनुअल एग्जाम में, कहाँ चेंज हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर मैथ का जो रियल नंबर चैप्टर है, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 6 मार्क्स का ये चैप्टर दिया हुआ है सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई ऑफिशियल अलग से नहीं कि ऐसा ही आएगा, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है बट ज़्यादा मॉडिफाई होता नहीं है, आपने हर साल देखा होगा, मैंने पिछले साल भी वीडियो अपलोड की थी, उससे पिछले साल भी इस पर लाखों व्यूज थे, और लगभग ऑलमोस्ट सेम पेपर था, एक आध मार्क्स का इधर उधर था चेंज। सेकेंड चैप्टर की बात करें पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का,
और एक एक मार्क्स के चार क्वेश्चन केस स्टडी वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में, तो इस चैप्टर से केस स्टडी आ सकता है ओके, जैसा कि उन्होंने बताया है। यानी ये चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का सैम्पल पेपर में बताया गया है, तो इसकी भी तैयारी बहुत ध्यान से करें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड चैप्टर से एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ओवरऑल चैप्टर कितने का हुआ 7 मार्क्स का। फोर्थ चैप्टर में दो क्वेश्चन एक एक मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी ओवरऑल ये चैप्टर हुआ 5 मार्क्स का। और सबसे बड़ी बात जो सैम्पल पेपर में दिया है, फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का दिया हुआ है। अब ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्या पर्पज क्या है। फिफ्थ चैप्टर से सिर्फ और एक ही क्वेश्चन दिया हुआ, आप इस पेपर में पूरे पेपर में आप चेक कर सकते हैं, आपके 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन ये दिखेगा फिफ्थ चैप्टर से, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं है फिफ्थ चैप्टर का, ठीक है। तो आप इस पेपर में देख सकते हैं, इस पीडीएफ में आप ढूंढने का आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ है क्या, मुझे जो लगता है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, स्टार लगाया है ओके। अभी इसके बारे में और बताऊंगा किस चैप्टर से किस में आ सकता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिफ्थ चैप्टर से पे 1 मार्क्स का देंगे, अभी तो इन्होंने सैम्पल पेपर में 1 मार्क्स का ही दिया है, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके बाद 6th चैप्टर जो है ट्राइंगल्स, उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ओके, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, उसके अलावा एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन केस स्टडी वाले, यानी ओवरऑल ये चैप्टर हो गया 8 मार्क्स का, 8 नंबर का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर जो है, एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा 2 मार्क्स का और एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन, वो एक एक मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी केस स्टडी वाली बात कर रहे हैं हम, तो केस स्टडी से क्वेश्चन दिया हुआ है सैम्पल पेपर में, क्लियर है। तो इस चैप्टर से केस स्टडी भी आ सकता है, और ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये चैप्टर हुआ 6 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री भी जो है वो पहले तो ज़्यादा मार्क्स का आता था, बट इस बार जो इन्होंने सैम्पल पेपर में दिया है वो एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी ये चैप्टर दिया हुआ है 4 मार्क्स का, बट यहाँ भी मुझे डाउट है, यहाँ भी चेंज हो सकता है, इसलिए इस पर स्टार लगाया गया है। 9th चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसे यूँ बोले हाइट एंड डिस्टेंस, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का दिया हुआ है। सर्कल जो चैप्टर है, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी ये चैप्टर दिया हुआ है सैम्पल पेपर में कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। कंस्ट्रक्शन में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 मार्कर भी है इसमें से, तो ओवरऑल ये चैप्टर 3 मार्क्स का, तो ये तो पहले भी 3 मार्क्स का ही आता था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और ये पहले भी 3 का ही आता था। सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, सॉरी 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, क्लियर है। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, पहले भी 7 का ही आता था। उसके बाद स्टैटिक्स में से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, स्टैटिक्स में 3 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन और 1 × 4, यानी कि केस स्टडी के भी 4 क्वेश्चन इसमें से, यानी ओवरऑल चैप्टर 10 मार्क्स का दिया हुआ है सैम्पल पेपर में। और प्रोबेबिलिटी जो 2 या 3 मार्क्स का आता था उसे सिर्फ 1 मार्क्स का दिया गया है। अभी देखो ध्यान से देखो इसे, तो ओवरऑल सब ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 मार्क्स का सिलेबस है पूरा, ऐसे ही दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो सैम्पल पेपर डाउनलोड करके। इसमें जो 4 चैप्टर पर स्टार मार्क किए मैंने, इनमें इंटरचेंज हो सकता है, जैसे ये जो ये स्टैटिक्स चैप्टर 10 मार्क्स का दिया है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये 10 मार्क्स का ना है, क्योंकि 10 का आता नहीं था कभी भी, ठीक है। अगर आता है ऐसा तो अभी तो यही फॉलो हो सकता है बिल्कुल, बट अगर इसमें चेंज होता है, क्योंकि वैसे तो फॉलो यही होना चाहिए, 95% आप ये मान के चलो कि यही फॉलो होगा, इससे ज़्यादा ही, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ओवर इंटरचेंज थोड़ा बहुत होता है, तो ये जो 14 चैप्टर है इसमें से इंटरचेंज हो सकता है, यानी इसमें से क्वेश्चन कम करके ट्रिग्नोमेट्री में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ 1 मार्क्स का, थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, किसी को भी हजम नहीं होगा ये, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, इस चैप्टर की जगह इस चैप्टर में बढ़ाए जा सकते हैं ओके। और एक जो चैप्टर और है 9th चैप्टर, ये भी 8 मार्क्स का कभी आता नहीं था, बट इस साल दे रखा है, यहाँ भी थोड़ी बहुत इंटरचेंजिंग हो सकती है, जैसे कि मतलब 8 मार्क्स का जो 9th चैप्टर दे रखा है, इसकी जगह इसमें से 1 क्वेश्चन कर दे और इसको 1 क्वेश्चन बढ़ा दे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और स्टैटिक्स में जो एक क्वेश्चन दे रखा है 10 मार्क्स का, इस चैप्टर दिखा रखा है, इसमें से क्वेश्चन कम करके और इसकी जगह प्रोबेबिलिटी में बढ़ा दिया जाए, तो ये इंटरचेंज हो सकता है, अदरवाइज लगभग ऑलमोस्ट सारा सेम ऐसे ही आएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि पेपर का अब पैटर्न कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहली वीडियो अपलोड कर रखी है ब्लूप्रिंट के मैथ्स की, और वो सारी फर्जी वीडियो निकल गई, क्योंकि अब सैम्पल पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन का पैटर्न तो आ ही नहीं रहा इस साल, 36 क्वेश्चन आ रहे हैं,
और बाकी सब्जेक्टों में भी काफ़ी चेंज हुआ है, तो आप उसे देख लेना। मैंने मैथ्स की, इंग्लिश की और हिंदी की तीन वीडियो अपलोड कर दिए तीनों सब्जेक्ट्स की, और बिल्कुल ऐसे ही सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, बाकी की भी जल्दी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। बाकी जो भी चीज़ें आपको सीखनी चैप्टर वाइज, जो भी नोट्स आपको चाहिए या जिस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, वो कमेंट करके बता सकते हो, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी पहले भी लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ तो मैथ्स की ऑलरेडी अपलोड की गई है, साइंस की कुछ वीडियोज़ हैं, सोशल साइंस की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हिंदी ग्रामर की ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ हैं, और एक दो टॉपिक जो नए टॉपिक हिंदी ग्रामर में ऐड हुए हैं वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।